हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल प्रशास वर्ल्ड। तो आज मैं आप सबके लिए एक प्रोडक्ट लेके आई हूँ, जिसका जब मैंने अपने बेबी के ऊपर यूज़ किया तो उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हुए वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आज मैं आपके लिए जो प्रोडक्ट लेके आई हूँ वो है बेबी का, ये आप देख सकते हैं। इसको हम लोग हिंदी में जो शहद वाला निप्पल होता है वो भी बोलते हैं, जो आजकल डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के आ गए हैं। और ये आप इसको जो है बेबी के जो निप्पल्स होते हैं उसकी तरह आप इसको यूज़ करते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने अपने बेबी के लिए परचेज़ किया था, बट मैंने एक भी बार उसके ऊपर बस एक बार यूज़ किया था। उसके बाद मैंने इस पर एक भी बार यूज़ नहीं किया, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इसके बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स होते हैं बेबी के ऊपर। तो वही आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत सारे मैंने पेरेंट्स देखे हैं जो इसको यूज़ भी करते हैं, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फर्स्टली, ये जो निप्पल्स होते हैं ये प्लास्टिक के बने होते हैं, जिसकी वजह से जो प्लास्टिक होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर आपका बेबी उसको सक करता है प्लास्टिक के निप्पल्स को, तो उससे बेबी के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि प्लास्टिक इतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का नहीं हो यूज़ होता है इसमें। और मैं आपको बताती हूँ कि इससे बेबी के इन्फेक्शंस भी माउथ में हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेबी इसको गिराता है फिर उसको मुंह में लगाता है। आप इसको प्रॉपर्ली अगर स्टरलाइज़ या उसको वॉश करके भी दे रहे हैं फिर भी बेबीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इससे यूज़ करने पे। और मैं आपको बताती हूँ, इससे मेन जो बेबी होते हैं वो थोड़ी देर के लिए आपके शांत हो जाते हैं, बट ज़्यादातर मैंने देखा है जो छोटे बच्चे इसको रेगुलरली अगर आप यूज़ करेंगे उनके ऊपर तो उनको इनकी आदत हो जाती है। और जब भी वो क्रैंकी होते हैं आप उन्हें ये देते हैं और उसके बाद उनको ये आदत लग जाती है, और इसको छुड़ाने में बहुत टाइम लग जाता है और बेबी इससे बहुत ज़्यादा क्रैंकी फील करता है। तो इसीलिए आप ऐसी आदत बच्चों को डालनी ही नहीं चाहिए जो बाद में उन्हें छुड़ाने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए मैंने इसको अपने बेबी पे फिर नहीं प्रेफर किया था, क्योंकि जो मिल्क फीडिंग वाले बच्चे होते हैं उनको बहुत जल्दी ऐसी चीज़ों की आदत लग जाती है, क्योंकि ये उन्हें बहुत ज़्यादा सूदिंग इफ़ेक्ट देते हैं। इससे थोड़ी देर के लिए उनका माइंड रिलैक्स हो जाता है, बट बाद में जब आप उसे इन्हें निकालते हैं, बच्चा अगर सो जाता है उसके बाद अगर आप इसे निकालते हैं तो बेबी आपका थोड़े टाइम बाद फिर से क्रैंकी हो जाता है। और मैंने एक और चीज़ नोटिस की थी कि इसको यूज़ करने के बाद जो बेबी होता है उसके माउथ में बहुत ज़्यादा सलाइवा का और लार का फॉर्मेशन होने लगता है, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा आपके सलाइवा को जो है अपने माउथ में बनाने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी आती है इसके साथ, जो कि इस एज में बच्चों के बहुत ज़्यादा जो लार चुआने की हैबिट होती है वो भी डेवलप हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपकी तरह के जो और न्यू पेरेंट्स हैं जो इसको एक बार यूज़ कर चुके हैं या यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करना चाहते हैं, उनको मैं अपना रिव्यू देना चाहती हूँ कि ये प्रोडक्ट अगर आप अपने बेबी पर ट्राई कर रहे हैं तो इसे बहुत सोच समझ के ट्राई कीजिए, क्योंकि मेरी तरफ से इसके लिए थम्स डाउन है और मैं इसको अपने बेबी के यूज़ करने के बिल्कुल ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ। तो अगर आप चाहते हैं अपने बेबी पे यूज़ करना तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बट इसकी जो ड्रॉबैक्स हैं वो मैंने आपको जो मैंने फ़ील किए हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूँ तो आप मेरे चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, थैंक यू।